Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the theoretical portion of cash flow statement. Today, we are going to start the numerical portion of cash flow statement. So, before the cash flow statement, we have to calculate the amount of profit before interest and tax and extraordinary item. Means net profit before tax and extraordinary item. इसे हम कैसे निकालते हैं? Net प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. तो ये कैसे निकाला जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन होगा वो गिवन होगा हमको नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा. नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? या तो आप लेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L और रिजर्व एंड सरप्लस. यानी आपको बैलेंस शीट गिवन होगी जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के आपको बैलेंसेस गिवन होंगे. तो अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस गिवन है तो उस दोनों ईयर का जो डिफरेंस होगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा. अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन ना होकर आपको रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है तो उस केस में रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस नेट प्रॉफिट हो जाएगा. आपको कोई एक चीज लेनी है, अगर आपको दोनों ही चीज गिवन है तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रॉफिट लेंगे, वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा. अब इसमें कुछ आइटम्स हमको ऐड करने होंगे, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व. देखिए, ट्रांसफर टू रिजर्व नॉन कैश आइटम होता है क्योंकि आपका ये किसी को पे नहीं करना है, बस अपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन हटाकर आप उसमें से दूसरी तरफ सेव कर रहे हैं. तो ट्रांसफर टू रिजर्व हमारा आइटम उसमें आप ऐड करेंगे. सेकेंड, प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो आपको अगर दो साल का गिवन है तो आप प्रीवियस ईयर का लेंगे. ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का नहीं लेना है. और अगर आपको क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड दे रखा है तो इंटरिम डिविडेंड भी आप यहां पर ऐड कर लेंगे, इंटरिम डिविडेंड. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये भी हमारा नॉन कैश आइटम होता है. ये भी आपको मे बी हो सकता है 2 ईयर्स का गिवन हो, तो उस केस में आप इसे यहां पर करंट ईयर की अमाउंट को ऐड करेंगे. जैसे 2019 और 2020 का आपको ये दे रखा है और तो आपको 2020 वाला जो इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपको यहां पर ऐड करना होगा. इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, यानी ऐसा लॉस जो आपके बिजनेस का लॉस नहीं है और वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वो भी आइटम आप यहां पर ऐड कर लेंगे. ठीक है. अब ये सारे आइटम ऐड करके आप यहां लिखेंगे. अब इसमें से आपको कुछ आइटम लेस करने होंगे, लेस जैसे रिफंड ऑफ टैक्स. अगर आपने आपको कोई टैक्स रिफंड हुआ है तो आप उस अमाउंट को आप यहां पर लेस करेंगे. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर आपको कोई अर्न हुई है तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को भी आप यहां माइनस करेंगे. जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस क्या होता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस हैं. और इस केस में अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिल रहा है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो जाएगी, तो ये आप यहां पर माइनस कर देंगे. और माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये कहलाएगा. सबसे पहले हमको कैश फ्लो स्टार्ट करने से पहले ये आइटम की कैलकुलेशन करनी होती है. अब आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए, ये आपको बुक में भी गिवन है. और अब आपके इसके रिलेटेड हम कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन बोर्ड प्रेजेंटेशन आपने देखा कि किस तरीके से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करेंगे. आप इस फॉर्मेट को यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मैं आपको भेज रहा हूँ. कि सबसे पहले आपको तो नेट प्रॉफिट जो निकालना है उसके लिए आप प्रॉफिट निकालेंगे, और प्रॉफिट आएगा डिफरेंस किस चीज़ के जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है, कि स्टेटमेंट ऑफ P&L या रिजर्व एंड सरप्लस जो भी दे रखा है उसका प्रॉफिट आप यहाँ लिखेंगे.
उसमें कुछ आइटम्स ऐड किए जाएंगे, जैसे प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का है, मींस प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। इंटरिम डिविडेंड अगर आपने पे किया है तो वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। अगर आपने कोई अमाउंट प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर किया है, जैसे जनरल रिजर्व है, DRR है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई भी रिजर्व में आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है तो वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपने करंट ईयर में प्रिपेयर किया है उस अमाउंट को भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है, जैसे लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फायर, तो इस लॉस के अमाउंट को भी इसमें ऐड किया जाएगा। ये सारे अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड करने हैं जो प्रॉफिट निकाला है उसमें, और कुछ अमाउंट इसमें से आपको लेस करने होंगे। जैसे अगर आपका इनकम टैक्स का रिफंड आपको मिला है प्रीवियस ईयर में तो वो आप इसमें माइनस करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे इनकम की फॉर्म में मिला है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया आपको अर्थक्वेक से हुए लॉस की वजह से, तो वो अमाउंट आप इसमें से माइनस कर देंगे। फाइनली जो बैलेंस निकल कर आएगा वो बैलेंस आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 आप देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आपको एक बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है KBC लिमिटेड की, जिसमें सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 5 लाख और करंट ईयर का बैलेंस है 8 लाख रुपीज़। डिविडेंड पेबल जो करंट लाइबिलिटी होती है प्रीवियस ईयर में निल थी और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 30,000 रुपीज़ हो गई। और जो प्रपोज डिविडेंड है वो 31 मार्च 2019 यानी प्रीवियस ईयर में 3 लाख रुपीज़ है और 2020 वाले ईयर में 3,50,000 है। हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करनी है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टेक फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको वीडियो में इसमें सेट किया है, आपको पहले बताया है कि वीडियो में अटैच किया है कि क्या उसका क्वेश्चन है। सो इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस दैट इज ऑफ करंट ईयर 8 लाख रुपीज। डिविडेंड पेबल प्रीवियस ईयर में निल है और करंट ईयर में 30,000 का है। प्रपोज डिविडेंड फॉर 31 मार्च 2019 3 लाख एंड फॉर 2020 3,50,000। तो देखिए स्टार्टिंग हम करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग किस चीज से होती है, नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट किस चीज का था, मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो देखिए 8 लाख रुपीज से 5 लाख रुपीज से ये 8 लाख हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, करंट ईयर का आपका नेट प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपीज। अब मैंने आपको इसमें कुछ आइटम एड करवाए थे, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन में कहीं गिवन है नहीं, इसके अलावा प्रपोज प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं गिवन नहीं है, प्रपोज डिविडेंड गिवन है, तो आप प्रपोज डिविडेंड को यहां पर ऐड कर लेंगे। और प्रपोज डिविडेंड भी प्रीवियस ईयर का है, 2019 का, और 2019 का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 3 लाख रुपीज है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कोई आइटम गिवन नहीं है। डिविडेंड पेबल करंट लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी अभी हमारे फॉर्मेट में कहीं भी यूज नहीं होता, यानी 3 लाख का नेट प्रॉफिट, 3 लाख का प्रपोज डिविडेंड, यानी नेट अमाउंट कितना हो गया 6 लाख रुपीस। और यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर? वन मोर इलस्ट्रेशन इज देयर, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 15। इन दिस इलस्ट्रेशन देयर इज ए बैलेंस शीट ऑफ बीटा लिमिटेड। इन दिस बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल इन प्रीवियस ईयर 5 लाख एंड करंट ईयर एज वेल एज 5 लाख। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन प्रीवियस ईयर 5 लाख एंड करंट ईयर ऑल्सो 5 लाख। एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस जो प्रीवियस ईयर में 2,50,000 था, करंट ईयर में 4,50,000 रुपीज हो गया। और डिविडेंड पेबल जो करंट लाइबिलिटी है प्रीवियस ईयर में निल थी, करंट ईयर में इसकी 20,000 वैल्यू हो गई। प्रपोज डिविडेंड जो था इक्विटी शेयर पे, हमने 2019 में पे किया था 1,50,000 और 2020 में पे किया था 1 लाख रुपीज। और इंटरिम डिविडेंड जो है 50,000 इक्विटी शेयर पे किया गया है 19 वाले ईयर में। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए इंटरिम डिविडेंड जो 50,000 है इक्विटी शेयर पे किया गया है, ये आप जानते हैं कि इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड प्रेफरेंस वालों के बाद मिलता है, तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर भी 10% के रेट से डिविडेंड लगाना होगा इस 5 लाख यानी प्रीवियस ईयर के अमाउंट की वैल्यू पर। चलिए इसका एक हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं।
Now students, let's take second illustration. In this illustration, we have share capital in previous year 5 lakh and current year it is also 5 lakh. 10% redeemable preference share 5 lakh in both years. Surplus of statement of P&L account in previous year 2,50,000 and in current year 4,50,000. And dividend payable in previous year nil value and in current year 20,000 rupees. Additional information ki form mein given hai, proposed dividend on equity share for the year ended 31st March 2019 was 1,50,000 and for 31st March 2020 it is 1 lakh rupees. And interim dividend of rupees 50,000 paid on equity share in the ending of 31st March 2019. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करते हैं नेट प्रॉफिट से. नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. प्रीवियस ईयर में ये 250 था जो करंट ईयर में 4.5 लाख हो गया, यानी 2.5 लाख से इसे इंक्रीज होकर 4.5 लाख हो गया. तो यानी टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आई 2 लाख रुपीज. क्लियर. अब इसमें हमें कुछ आइटम एड करने हैं. प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन नहीं है, तो सीधे हम क्या करेंगे, प्रपोज डिविडेंड को हम ऐड करेंगे. और प्रपोज डिविडेंड भी हम कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर यानी 2019 वाला. और 2019 का जो प्रपोज डिविडेंड है उसकी वैल्यू है 1,50,000 रुपीज. अब इंटरिम डिविडेंड, ये नीचे सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है. इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, और इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर पर है 50,000 का. अब देखिए, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को ये प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं कि उनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिसीव होगा, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बाद में रिसीव होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले रिसीव होता है. अगर क्वेश्चन में आप इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को दे रहे हैं, इट मींस आपने प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड दिया होगा, क्योंकि बिना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए हुए आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते. तो क्वेश्चन में आपको इंडिकेट नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको डिविडेंड देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं. तो यानी आप इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी. और प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, 10%. देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सेकंड पॉइंट पर दे रखा है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. तो 10% आप पे करेंगे 5 लाख रुपीस पर, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है. तो ये कितना हो जाएगा 50,000. अब आप ऐड कर लेंगे डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, तो उसे आप यहां पे ऐड करेंगे नहीं. 2 लाख प्लस 150 350 4 लाख और 4 लाख प्लस 50,000 यानी 4,50,000 रुपीस. ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. Clear? One more illustration is there. In this illustration, we have to calculate the amount of net profit before tax and extraordinary item. We have surplus of statement of P&L account opening balance minus 2 lakh. Bracket ki figure means negative 2 lakh, means loss hai hamara. Surplus of statement of P&L ka closing balance 5,40,000. Proposed dividend for the year 2020 3,15,000 and proposed dividend for the year 2019 is 2,10,000. Transfer to workmen compensation reserve 1,50,000 and provision for tax made during the year 2,30,000. तो आप देखिए कि हमारा जो profit है current year में 5,40,000 है, जो previous year में minus का 2 lakh rupees था. तो देखिए ब्रैकेट में हम इसको माइनस की फिगर डालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 540 प्लस 2 लाख यानी 740 हमारी प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी. चलिए इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 16. इन दिस इलस्ट्रेशन सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है नेगेटिव 2 लाख रुपीज. ब्रैकेट में फिगर है, इट मींस कि नेगेटिव है. सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस 5,40,000, प्रपोज डिविडेंड का 2020 का बैलेंस 3,50,000 यानी करंट ईयर, और प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर का बैलेंस 2,10,000. आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू एड करते हैं.
ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन इज 1,50,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,30,000। तो देखिए सबसे पहले हम प्रॉफिट लेंगे और नेट प्रॉफिट कैसे लेंगे, डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो देखिए करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में था ये -2,00,000 और करंट ईयर में ये हो गया 5,40,000। 5,40,000 माइनस माइनस का 2,00,000 क्योंकि नेगेटिव फिगर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7,40,000 क्योंकि प्रीवियस ईयर की फिगर ऑलरेडी नेगेटिव है। अब हमें इसमें कुछ आइटम्स ऐड करने हैं, जैसे ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000 रुपीज का, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स भी यहां पर गिवन है। और मैंने आपको बताया है प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा करंट ईयर का लिया जाता है और करंट ईयर का ही गिवन है 2,30,000। 2,30,000 ये हमारा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड भी आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, और यहां पे जो अमाउंट लेते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर का लिया जाता है यानी 2019 का, और ये वैल्यू गिवन है आपको 2,10,000। क्लियर? अब आपको सारे आइटम आपने ऐड कर लिए, ये देखिए 7,40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,30,000 प्लस 2,10,000 ये वैल्यू हो जाएगी 13,30,000। 13,30,000 ये वैल्यू हो जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। One more illustration is there, that is illustration number 18. In this illustration we have a balance sheet. Balance sheet में आपको equity and liability side में shareholder fund के अंदर share capital दे रखी है 8,00,000 in both years. Reserve and surplus 5,20,000 in previous year and 6,95,000 in current year. Non-current liability में long term borrowing in previous year and current year in both year 5,00,000 rupees. Current liability में trade payables 50,000 in previous year and 60,000 in current year. Other current liability 75,000 in 2019 and 1,00,000 rupees in 2020. And short term provision mein 1,00,000 balance previous year mein hai aur 1,50,000 current year mein hai. 23,05,000 2020 ka total hai aur 20,45,000 previous year ka total hai. Asset side mein non current assets ke andar fixed assets 15,55,000 aur 18,40,000 करंट ईयर में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,00,000 रुपीज इन प्रीवियस ईयर एंड 3,00,000 ही करंट ईयर में है, और करंट असेट्स 190 और 165 की है। नोट्स टू अकाउंट दे रखा है इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर शेयर कैपिटल के अंदर दो टाइप की कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000 रुपीज ईच और प्रेफरेंस शेयर 3,00,000 रुपीज इन ईच ईयर। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है पिछले ईयर में 210 था, करंट ईयर में 275 हो गया, यानी 65,000 इंक्रीज हुआ है, ट्रांसफर किया है मतलब हमने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था जो 2,00,000 से 250 हुआ, यानी 50,000 रुपये हमने ट्रांसफर किए हैं, और सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पिंडल का बैलेंस 110 से 170 हो रहा है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,00,000 इन प्रीवियस ईयर और 150 इन करंट ईयर। नीचे कह रहा है प्रपोज डिविडेंड 2020 में 160 था यानी करंट ईयर में, और प्रीवियस ईयर यानी 2019 में 80,000 रुपीज का था, जो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। Now students, let's take one more illustration. In this illustration, we have a balance sheet. Balance sheet में हमको कई सारे आइटम्स गिवन है जो आपने वीडियो में देखे हैं कि शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 8,00,000 की थी और करंट ईयर में भी 8,00,000 रुपीज की है। रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में 520, करंट ईयर में 695। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5,00,000 इन बोथ ईयर्स। Trade payables 50,000 in previous year and 60,000 in current year. Other current liabilities 75,000 in previous year and 1,00,000 rupees in current year. And short term provisions 1,00,000 rupees in previous year and 1,50,000 in current year. Asset side mein fixed assets 15,55,000 in previous year and 18,40,000 in current year. And non current investment 3,00,000 in both year and current assets 190 in previous and 165 in current year. We have notes of accounts as well. In this equity share capital and preference share capital दोनों year के हमें given है,
रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन की डिटेल दे रखी है कि उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में गिवन है कि प्रपोज डिविडेंड इन प्रीवियस ईयर 80,000 का है और करंट ईयर में 1,60,000 का है। तो देखिए, जब बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आपके लिए सबसे पहले फोकस करना होता है नोट्स टू अकाउंट पर। तो नोट्स टू अकाउंट में आप देखिए, आपको रिजर्व एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन गिवन है, और रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रीवियस ईयर में 110 का था और करंट ईयर में 170 का हो गया, और ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट का वर्क करेगा। तो नेट प्रॉफिट 1,70,000 माइनस 1,10,000, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 रुपीज। अब देखिए, इसी के जस्ट ऊपर यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है जो प्रीवियस ईयर में 2,00,000 का था, करंट ईयर में 250 का हो गया। यानी आपने ट्रांसफर किया होगा तभी ये रिजर्व का अमाउंट बढ़ा है। तो ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए 250 हुआ है, कब, कितने से, 2,00,000 रुपीज से, यानी आपने कितने अमाउंट ट्रांसफर किया, 50,000 रुपीज। जस्ट इससे पहले जनरल रिजर्व भी दे रखा है, जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर में 210 का था जो करंट ईयर में 275 का हो गया, यानी आपने यहां पर भी ट्रांसफर किया होगा। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 275 ये हुआ है, और प्रीवियस ईयर में कितना था, 2,10,000, यानी आपने 65,000 रुपीज ट्रांसफर किए होंगे जनरल रिजर्व में। अब देखिए, इसी से नीचे आइए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको प्रपोज प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स 2019 का है 1,00,000, और 2020 का है 150, और हम जो प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं वो करंट ईयर का लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेंगे, यानी 2020 का 1,50,000 रुपीज। और देखिए, लास्ट में नोट की फॉर्म में आपको दे रखा है कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर यानी 2019 में 80,000 का था और करंट ईयर में 160 का। और प्रपोज डिविडेंड कौन सा लिया जाता है, प्रपोज डिविडेंड लिया जाता है यहां पर प्रीवियस ईयर का। तो देखिए, यहां पे प्रीवियस ईयर का 80,000 रुपीज ये भी आप ऐड कर लेंगे। तो देखिए 50, 65, 115, 150 और 150, ये हो गया आपका 265 और 2, ये हो गया 345 आप यहां पर ऐड करेंगे और आपका 60,000 का प्रॉफिट है। तो 4,05,000 ये आपका अमाउंट हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वन मोर इलस्ट्रेशन इज देयर। In this illustration, we have to calculate the amount of net profit and tax before extraordinary item. Statement of P&L का opening balance 50,000 rupees. Statement of P&L का closing balance 1,18,000 rupees. Dividend paid which is proposed in previous year, that is 36,000 rupees. Interim dividend paid during the year 45,000. Transfer to reserve 50,000. And provision for tax made during the year 75,000. Refund of tax 1,500 and loss of inventory due to fire 1,00,000. It is an extraordinary loss. And insurance claim received for the above loss is 50,000 and it is an extraordinary income. So, अब हम इसका एक board presentation देखते हैं कि इस question को हम कैसे solve करेंगे. Now, students, let's take one more illustration. That is illustration number 19. In this illustration, we have statement of P&L का opening balance 50,000 and statement of P&L का closing balance 1,18,000. Dividend paid which is proposed in previous year, it means ये proposed dividend है previous year का, तो ये amount add किया जाएगा। Interim dividend paid during the year 45,000. Provision for tax made during the current year 50,000. Refund of tax 1,500 and loss of inventory due to fire 1,00,000 and insurance claim received from insurance company for loss by fire is rupees 50,000. So first of all, हमें calculate करना है net profit. Net profit के लिए आपको statement of P&L given है. Statement of P&L का opening balance 50,000 है जो current year में 118 हो गया. यानी 1,18,000 minus 15,000 यानी current year का जो profit है वो 60
8000 रुपीज का है। अब देखिए हमको कुछ एडिशनल आइटम्स दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में दे रखा है डिविडेंड पेड विच इज प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर, मींस इट इज प्रपोज्ड डिविडेंड, और प्रपोज्ड डिविडेंड ये प्रीवियस ईयर का ही लिया जाता है, और प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड का अमाउंट है वो हमारा कितना है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 36,000 रुपीज। तो 36,000 आप ये अमाउंट ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरिम डिविडेंड, ये भी आपको यहां पर ऐड करना है क्योंकि फॉर्मूले फॉर्मेट में आपको दे रखा है, तो इंटरिम डिविडेंड ये आपको ऐड करना है और इसकी वैल्यू दे रखी है 45,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो आप यहां पर ये भी ऐड कर लेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, क्योंकि आपने किसी को पे नहीं किया है। ट्रांसफर टू रिजर्व इज 50,000, 50,000 रुपीज आपने रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स और ये करंट ईयर का आपको ऐड करना है, और करंट ईयर के टैक्स की वैल्यू है 75,000। क्लियर। नेक्स्ट वन इज रिफंड ऑफ टैक्स, ये लेस होता है, और लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, तो आप इसे यहां पर ऐड करेंगे लॉस ड्यू टू फायर, और कितने का लॉस हुआ है आपको 1 लाख रुपीज का, तो ये आपके ऐड वाले आइटम होंगे। टोटल लगाइए आप इसका 36 और 45 प्लस 50 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख रुपीज, तो ये आप ऐड करेंगे ओवरऑल अमाउंट, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 2,06,000 रुपीज, 2,06,000 रुपीज, और 2,06,068 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,74,000। अब आपको इसमें से कुछ आइटम लेस करने हैं, जैसे टैक्स रिफंड, कितना टैक्स रिफंड हुआ है 1,500, और एक इंश्योरेंस क्लेम फॉर फायर, फायर के लॉस के लिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है आपको 50,000 रुपीज का, मींस 50 और प्लस 1,500 यानी 51,500 रुपीज आपको इसमें से लेस करने हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 3,06,000 टोटल है, और ये हो जाएगा 3,74,000, और इसमें से आपको 51,500 माइनस करनी है तो ये हो जाएगा 3,22,500 रुपीज, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखिए ये स्टूडेंट आपके रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिसमें आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करनी है।